एमएनएस न्यूज हिंदी में मैं किरण आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइन पर। राखी सावंत ने किया खुलासा, भाजपा के उत्तर भारतीय मोर्चा नक्सलवादियों के संबंध पे आए आरोप। अब खबरें विस्तार से। राखी सावंत ने किया खुलासा तनुश्री दत्ता का मी टू मूवमेंट को लेकर, देखिए खुनकार संवाद। बिल्कुल, हेलो फ्रेंड्स, मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब अभी तनुश्री दत्ता को नाना पाटेकर जी ने या राज ठाकरे जी ने भाव नहीं दिया, उनको इन्होंने बहुत कोशिश की कि उनको लूटे और ये पूरी पब्लिसिटी स्टंट करे, चाहे वो वीज़ा के लिए हो, चाहे पासपोर्ट के लिए हो, चाहे बैंक अकाउंट के लिए हो, या फिर यू नो कम बैक इन बॉलीवुड के लिए हो, किसी भी चीज़ के लिए उसने ये जो किया है। तो उनको भाव तो बिल्कुल नहीं दिया, तो अभी उसे ऐसा लगता है कि मैं राखी को टारगेट करूँ, अब राखी के नाम पे सारी पब्लिसिटी उठाओ। तो बहन जी चली गई है, तनु बहन जी चली गई है कोर्ट में, और कानून जो है वो सबके लिए एक समान है ना। वो कोर्ट में गई है तो अभी बहुत कंट्रोवर्सी मीडिया खेल लिया उसने, अब कोर्ट खेलेंगे तो कोर्ट में डेफिनेटली मैं उसका ऐसा मुंह तोड़ जवाब दूंगी। पहली बात तो ये है कि 10 साल पहले, जब वो 10 साल पहले कहती कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, तो 10 साल पहले तो तनुश्री मैं भी तुम्हारे साथ हर पार्टी में गई हूँ, 2-3 बार तो तुम मुझे रेव पार्टी में लेकर गई हो, और कितनी कितनी पार्टी में लेकर गई हो, और उस पार्टियों में तुम मेरे सामने डोप लेती थी, तुमने मुझे भी दिया था, तुम्हारे चक्कर में मैंने भी ले लिया था। थैंक गॉड का मैंने बाद में तुम्हारी दोस्ती छोड़ दिया, वरना आज मुझे भी रेहब जाना पड़ता, बाल मुंडवाने पड़ते, मुझे भी रिहैब जाना पड़ता मेरी दोस्त। सबूत तो उसके पास भी नहीं था कि नाना पाटेकर ने उसको उस वक्त छुआ है, 10 साल पुराना, ये तो 10 साल पुरानी बात है ना। सबूत तो तनुश्री के पास भी नहीं है, उल्टा इसने, मैंने तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी थी, झाके मैंने ब्लास्ट नहीं हुई, उससे पहले इसने एक जूम चैनल में जाके मुझे लोअर क्लास कह दिया। क्या लोअर क्लास कहना गुनाह नहीं है? आप किसी को सेलिब्रिटी को, मुझे उसने कहा कि मेरा रिप्लेसमेंट गाने का किसने किया, राखी सावंत हु हैज़ नो क्लास, तो यू हैव अ क्लास ना, तुम क्लास हो, तुम्हारा क्लास पूरी दुनिया देख रही है कि तुम क्या कौन सा क्लास कर रही हो। मैं दुनिया को कहती हूँ कि आप लोग #MeToo को सपोर्ट कर रहे हो, मेंटू को क्यों नहीं? वन साइडेड दुनिया, वन साइडेड जज क्यों कर रही है? आप वो शेखर सुमन जी के बेटे के साथ भी अत्याचार हुआ, ऋतिक के साथ भी हुआ था, बहुत सारी चीज़ें, तो आपने आदमी का पहलू क्यों नहीं सुना, विमेंस का पहलू ही क्यों सुना? Why? वो मीटू मतलब लोग कैसे कैसे लड़कियां आके गंद कर रही है, कैसा गंद, जिनके साथ कुछ हुआ भी नहीं है, और लोग ये सुन रहे हैं, हंसी आती है, मुझे तरस आता है उन लड़कियों पे जिनके साथ सचमुच हुआ है और वो बिचारी टारगेट हुई है, और उनके साथ क्या होगा, वो बिचारी ना पुलिस स्टेशन जा पाती ना कहीं। ये मीटू को एक पब्लिसिटी स्टंट बनाया गया है, अपने बैंक अकाउंट में पैसे डालने का जरिया। नक्सलवादियों से संबंध के आरोप में नजर कैद की सजा काट रहे वर्णन और सुधा भारद्वाज, अरुण परेसा, इनकी जमानत अर्जी पुणे सत्र न्यायालय ने नामंजूरी कर दी। परेसा को गिरफ्तार किया गया है, आगे की कार्रवाई के लिए उनको पुणे न्यायालय में उपस्थित किया गया। एमएनएस न्यूज में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज लाइव देखने के लिए एमएनएस इंडिया प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें और हमारे एमएनएस न्यूज लाइव को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।